विषय में चर्चा, फिर उसके बाद तो बिहार अकबर होबे करी।
एक बिरहा इधर से निषाद जी का आदेश और एक बिरहा उधर से। आइए माइक थोड़ा लय बनाइए। भूमिका है चालन ए बच्ची बैठा हो शांति रहे। चालन भूमिका में कहना है मास्टर साहब। इक्कीसवीं सदी में पहुंच कर भी हम सभी दबाया गया है। हम दबे नहीं लेकिन दबाया गया है। कब तक दबते रहेंगे? हमें जगना होगा और जगाना होगा समाज को। और ये परासी कला कमेटी में हमारे और हर्ष और उल्लास के साथ ये जयंती मना रहे हैं जगाने के लिए। ये सिर्फ हम लोगों को जगना है। कैसे जगेंगे? हम इनके विषय में जानेंगे और पढ़ेंगे, सोचेंगे तब लगेंगे। हमारा कुल खानदान क्या था और आज क्या, हम कहाँ हैं, कहाँ से कहाँ पड़े हैं। एक से गीत लगे मास्टर साहब, ये नवरात्र का गीत है। माता बहन लोग और चाची माई लोग बैठे हमारे बड़ी लहा के गावली भरोस। कैसे गाँव लग गया? बता भी नहीं था तू। यह गीत अरे आवा काली माई के घिवा से लेकिन हमारे गनावा पर भाव जरा गौर करेंगे। कवि जी कितना बढ़िया लाइन लिख रहे अपने कुल खानदान। अरे शंभू के मनु मनु के अब ब्रह्मा जी ला
मनु के उताना पद कुमाना भोला शंभू शंभू के पुत्र मनु और मनु के पुत्र उत्तान पाल ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र उत्तान पाल। देखा कहानी छूटे ना लगी ये जयंती मनावे को उद्देश्य में सुनबा जनबा तब आप लोग जनबा जान से चली जितना टाइम हम लोग की दिखाई उतने टाइम हम बिहार से आए कुछ मौके थे किसी लाइन का बता था भैया अरे इंसान पागल के पुत्र चाचू अरे चाचू से भेरू अबेरू का महिमा कहानी पर गौर करेंगे हमारे खानदान के राजा बेरू कोई नहीं बैठा रहे तो प्रतापी और पराक्रमी राजा थे आविष्कार किए थे नाका का जिन्होंने नाव खेद करके अपना रोजगार और अपना पेट पान करते थे लेकिन कुछ मनोवादियों ने उनको जान से मरवा दिए मरवा के फेंकवा दिए। यहाँ तो बात रह लीजिएगा तक लेकिन जब मार गए ना बेणू राजा उनके शरीर का मथन हुआ जब उनके शरीर का मथन भई उनके बाई भुजा से एक पुत्र पैदा भई क्या नाम पड़ा उनके एक निषाद नाम पड़ा उनके बाई भुजा से जब मथन भई एक पुत्र का पैदाइश भई जेकर नाम निषाद पड़ा। आज भी उस देश में उस समय ये देश भारत निषाद नाम से जाना गया आज बड़ी नामों में विभाजित हो भरोस हिंदुस्तान इंडिया भारत ऐसे ऐसे बहुत से नामों में विभाजित है लेकिन निषाद नाम ही देश का पड़ा। इतना ही नहीं जब दाहिना भुजा का मथन हुआ एक और पुत्र पैदा हुए का नाम पड़ल पृथ्वी। यहाँ तक का इतना और कहानी बड़ा लंबा है भरोस बिहार में दूसरी गीत लगे रखने से गया यमन के जन्म से पहले के गीत है हमारे गुरुजी बतौल रहे हमारे गुरुजी राम नाम जमा जी बड़ा रगड़ के गावल है गीत के चेला है थोड़े से प्रभाव पड़े के चाहिए ना ये गीत के माता पहले गावल नहीं मार लहा के गावल है हमारे बाहर बेचू गुरु जी ये भी हवा के गीत ये तुलवा रख ले फालतू नहीं हाँ क्या करवाए कर नाता कुछ और गुरु जी से भाई भाईले और मामा का नाता ऐसे ही फुजली वाल करला अला गीत गाओ नखले क्या यह नाता पहले गाओ ले मोरे पिता वाला वाले हर भैया मी धरती कमुना के धरती से जिन्होंने बिहार के तक एक अलग पहचान है हारमोनियम के बहुत अच्छे कलाकार हम लोगों का रिहर्सल करा करके सिखा करके पढ़ा करके इस मुकाम पर हम लोगों को खड़ा किया हमारे मंच पर बैठे
और सरकारी नौकरी वाले भी हैं। और संगम को हरा के चला गया।